ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः. बुक इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें भी जब हमें पढ़ेंगे ना चैप्टर तो देखने में आसान लगेगा, बट द क्वेश्चंस विल बी डिफिकल्ट. वन मार्क्स क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट. सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है उनको यहाँ पे पढ़ना है. सो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ गुड्स. गुड्स के टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का वर्गीकरण. वी कैन क्लासिफाई गुड्स इनटू टू वेज. जो भी वस्तुएं हैं हम उनको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं. मीन्स देयर आर टू मेथड्स, टू वेज बाय विच वी क्लासिफाई द गुड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस. अलग अलग वर्गों में गुड्स को डिवाइड करने के लिए, विभाजित करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. ठीक है, इन द फर्स्ट मेथड वी कैन क्लासिफाई द गुड्स इनटू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, एंड इन द सेकेंड मेथड वी कैन क्लासिफाई देम इनटू कैपिटल गुड्स एंड कंसम्पशन गुड्स. जो दो तरीके हैं, तो पहला वाला तरीका है उसमें हम गुड्स को अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में विभाजित कर सकते हैं. दूसरा जो तरीका है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं में विभाजित कर सकते हैं. कैपिटल गुड्स मीन्स पूंजीगत वस्तुएं हैं, कंसम्पशन गुड्स उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं. सो इन फर्स्ट मेथड गुड्स आर ऑफ टू टाइप, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, एंड इन द सेकेंड मेथड ऑल्सो द गुड्स और ऑफ टू टाइप्स, कंसम्पशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. दोनों तरह के में जो मेथड हैं, दोनों विधियों में या दोनों तरीकों में वस्तुएं दो प्रकार की हैं. पहले वाले में अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुएं, दूसरे में उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं. अब सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स all the production activities in the good are completed, there is no need of value addition and they are ready to use by their final user. jo antim vastuein hoti hain ye ve vastuein hoti hain jo utpadan ki seema rekha ko paar kar chuki hain. matlab jo bhi jitna bhi production karna tha, jo bhi hame production ke liye jo bhi kuch apnana tha, wo sara ho chuka hai. ठीक है, अब प्रोडक्शन में और कुछ नहीं करना है. जो भी काम था वो प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर या प्रोड्यूसर्स के लेवल पे सारा का सारा काम हो चुका है. ठीक है, उत्पादन पार कर चुकी हैं, अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार है और उनमें मूल्य वृद्धि की आवश्यकता नहीं है. अब तीन बातें इससे पता चलती हैं. फर्स्ट थिंग, दे हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया है. सेकेंड थिंग, दे आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल गुड्स, फाइनल यूजर्स, वे अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार है. एंड थर्ड थिंग, देयर इज नो नीड ऑफ वैल्यू एडिशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है. ठीक है, ये तीन बातें होती हैं ऑफ वैल्यू एडिशन. मूल्य वृद्धि की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है. वैल्यू एडिशन का मतलब मूल्य वृद्धि. ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. अब बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखो, एनी गुड विच इज इन द हैंड ऑफ प्रोड्यूसर दैट कैन बी सोल्ड टू अदर पर्सन, अदर रिटेलर और होलसेलर और फ्रॉम फैक्ट्री ओनर टू द डिस्ट्रीब्यूटर. कोई भी प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूसर के पास है, वो क्या होता है, वो उसके पास जब तक उससे जो फाइनल यूजर तक बिक नहीं जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में रहता है. बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन का मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज होना है. ठीक है, बनाना है. फॉर एग्जाम्पल,
If any person wants to produce some shirts, so he needs raw cotton. उसके पहले जो कॉटन है, रॉ कॉटन या क्लॉटन क्लॉथ वगैरह कुछ भी उसको चाहिए. रॉ कॉटन से कॉटन तैयार करेगा. पहले उसके पास जो भी रुई वगैरह होगी, कॉटन क्लॉथ उससे तैयार करेगा. देन फ्रॉम क्लॉटन क्लॉथ, बाय स्टिचिंग कॉटन क्लॉथ, ही विल मेक शर्ट्स. सो फ्रॉम रॉ कॉटन टू शर्ट्स there have been many activities. जो cotton है, कच्चा सूत है या वो रुई है, उससे क्या हुआ, शर्ट बनाने तक काफी प्रोसेस लगता है. फर्स्ट इट इज चेंज इंटू थ्रेड्स, फ्रॉम थ्रेड्स क्लॉथ इज और क्लॉथ इज क्लॉथ पीस इज कंप्लीटेड. देन फ्रॉम क्लॉथ पीस शर्ट्स आर मेड. पहले तो जो भी रुई वगैरह होती है उससे क्या बनाते हैं, उसे धागे बनाते हैं, धागों से कपड़े तैयार करते हैं, कपड़े से शर्ट बनाते हैं. तो यहाँ से जो प्रोसेस है ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ बचा हुआ था काम, रॉ कॉटन में कुछ ना कुछ बचा था. मीन्स इट वॉज अंडर द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दिस वॉज ऑल्सो अंडर द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. वेन द शर्ट इज फुली प्रिपेयर, देन इट विल बी आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. जब प्रोड्यूसर जो है सेल कर देता है कोई भी चीज, फाइनल जो सेलर है उसका शर्ट, जो बेचने वाला रिटेलर जहाँ से हम लोग खरीदते हैं, ठीक है. व्हेन द रिटेलर सेल्स एनी प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर और टू द फाइनल यूजर, देन इट इज कॉल्ड फाइनल गुड. कोई भी जो जब तक प्रोड्यूसर के पास है तब तक वो फाइनल गुड नहीं होगा. कब होगा, प्रोड्यूसर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो उसको दोबारा बेचना चाहता है, फर्म जो उसको दोबारा बेचनी चाहती है. जब फाइनल ऐसे आदमी के पास पहुंच जाए जो उसको यूज करे, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, जो उसको यूज करना है, तब हो जाएगा फाइनल गुड, ठीक है. तो मीन्स वो बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी. सेकेंड थिंग, फाइनल यूजर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनल यूजर. गुड्स आर ऑल्सो फाइनल गुड्स आर यूज बाई प्रोड्यूसर्स एंड ऑल्सो बाई कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर भी यूज करते हैं, कंज्यूमर भी फाइनल गुड यूज करते हैं, ठीक है. वी एज कंज्यूमर वी यूज मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स. एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन यू आर यूजिंग बुक्स, नोट्स, पेन, पेंसिल, कलर्स, बैग्स, एक्सेट्रा. तो हम लोग कंज्यूमर की तरह बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, ठीक है. तो वो क्या हो गई, फाइनल गुड्स होती हैं, जो हम यूज करते हैं खरीद के, वो सब फाइनल गुड है, खरीद के या किसी ने हमें दिया, ठीक. एंड प्रोड्यूसर्स आल्सो यूज फाइनल गुड. अब प्रोड्यूसर कैसे यूज करते हैं, तो दे द प्रोड्यूसर्स यूज फाइनल गुड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर आइटम्स. दूसरी चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स का यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं, इफ प्रोड्यूसर और इफ फर्म, इफ द फर्म और प्रोड्यूसर यूज एयर कंडीशनर इन हिज ऑफिस, देन दैट विल बी फाइनल गुड बिकॉज ही इज यूजिंग नॉट, ही हैज बॉट एसी फॉर हिज ओन यूज नॉट फॉर सेल. अगर कोई भी चीज अपने खुद के यूज के लिए है तो वो फाइनल यूज के लिए है, मीन्स वो फाइनल गुड कहलाएगी. फर्म ने अपने दुकान में एसी रखा है, एयर कंडीशनर रखा है अपने खुद का यूज के लिए, तो क्या हुआ, उसका फाइनल यूज कर रहा है. तो एट दैट टाइम द प्रोड्यूसर विल बी, द फर्म विल बी फाइनल यूजर ऑफ एयर कंडीशनर. इफ ए फर्म हैज अ कंप्यूटर, अ प्रिंटर, लैपटॉप, कार, बस, etc. for its own use, not for sale, means to do the work of the firm by its own computer or to send their employees to their home by bus. जो भी चीज काम उनको करना है अपने लिए करना है, जैसे अपना कंप्यूटर खरीदा है उस पर अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, कार है, बस है, कुछ भी, उससे हम ऑफिस के एम्प्लॉयज को घर छोड़ रहे हैं, वो सारी
चीजें क्या है, फाइनल गुड है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इनसे यूज कर रहे हैं अपने फर्म के अंदर, यूज कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम कंज्यूमर अगर होते हैं तो जो भी चीजें यूज करते हैं, कार अगर यूज कर रहे हैं घर में तो वो भी क्या है, फाइनल गुड है। एसी घर में यूज हो रहा है तो फाइनल गुड है, कंप्यूटर यूज हो रहा है फाइनल गुड है, चाहे फार्म में यूज हो, चाहे फैक्ट्री में यूज हो, चाहे घर में यूज हो, वो चीजें फाइनल गुड होती हैं। तो ये क्लियर हो गया सबको? तो फाइनल गुड यूजर ऑफ फाइनल गुड्स, देयर आर टू टाइप ऑफ एंड यूजर और फाइनल यूजर, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। दो तरह के फाइनल यूजर हो गए या अंतिम प्रयोगकर्ता हो गए, कौन से हो गए, उपभोक्ता और उत्पादक। तो द गुड्स विच आर यूज बाय प्रोड्यूसर एज फाइनल गुड्स आर कॉल्ड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, एंड द गुड्स विच आर यूज बाय कंज्यूमर आर कॉल्ड फाइनल कंज्यूमर गुड्स। जो वस्तु में उपभोक्ता प्रयोग करते हैं वे सारी क्या हो गई, फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गई, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं हो गई, और जो चीजें उत्पादक प्रयोग करते हैं वो हो गए अंतिम उत्पादक वस्तुएं, ठीक है। अब इतना दोनों बातें सबको समझ में आई। और तीसरी हमने क्या बताई थी, नो नीड ऑफ वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। तो अब वैल्यू एडिशन क्या होता है, मूल्य वृद्धि क्या होती है? वैल्यू एडिशन मीन्स जो हम वैल्यू ऐड कर देते हैं, एडिंग द वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट। व्हेन द कॉटन वाज यूज्ड इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में हमने कॉटन जब यूज किया, ठीक है, तो क्या था, व्हेन इट वाज इन रॉ फॉर्म, देयर वाज रॉ कॉटन, इट्स वैल्यू वाज डिफरेंट। व्हेन वी हैव मेड क्लॉथ, इट्स वैल्यू वाज डिफरेंट, एंड विद व्हेन वी हैव प्रिपेयर्ड शर्ट्स, नाउ इट्स वैल्यू इज डिफरेंट। जब कॉटन था हमारे पास, रुई थी फैक्ट्री में यूज करने के पहले, तब क्या था, उसकी वैल्यू कुछ और थी, उसकी कीमत कुछ और। आज जब कपड़ा बन गया तो उसकी कीमत कुछ और है, और शर्ट बन गई तो कुछ और कीमत है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, इफ रॉ कॉटन, कॉस्ट ऑफ रॉ कॉटन वाज रुपीज 100, फ्रॉम दिस वी हैव मेड कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ हमने तैयार किया, जब हम रुई लेके आए तो 100 रुपए की कीमत थी उसकी। अब कपड़ा तो उससे तैयार किया दूसरी फैक्ट्री ने, किसी फैक्ट्री ने तैयार कर दिया, नाउ इट्स प्राइस इज रुपीज 200, 200 रुपया इसकी कीमत हो गई है, ठीक है। सो द चेंज इन द वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन, यहाँ 100 रुपए से 200 रुपया हो गया, यही हुआ वैल्यू एडिशन, इसी को बोलेंगे मूल्य वृद्धि। कितनी वैल्यू बढ़ गई है, फ्रॉम रुपीज 200, नाउ इट्स वैल्यू इज रुपीज 200, 100 रुपए से बढ़ के हो गई 200 रुपया हो गई वैल्यू, तो 100 रुपीज की वैल्यू एड हो गई। सो द फैक्ट्री ओनर हु हैव प्रोड्यूस्ड कॉटन क्लॉथ हैज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कॉटन बाय रुपीज 100, 100 रुपए की वैल्यू बढ़ा दी किसने, जो कॉटन क्लॉथ का जो मिल ओनर था, फैक्ट्री ओनर था, उसने बढ़ा दी, ठीक है। नाउ फ्रॉम कॉटन क्लॉथ शर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय एनी अदर प्रोड्यूसर, एनी अदर फर्म और फैक्ट्री, कोई एक नई फर्म है, फैक्ट्री है, वो क्या करती है, अब कॉटन क्लॉथ का यूज करके शर्ट तैयार कर रही है, ठीक है। द फर्म हैज बॉट कॉटन क्लॉथ फॉर रुपीज 200, 200 रुपये का कॉटन क्लॉथ उस फर्म ने खरीदा और तैयार किया शर्ट फॉर रुपीज, नाउ द शर्ट ही हैज सोल्ड द शर्ट फॉर रुपीज 500, 500 रुपये का शर्ट उसने बेच दिया, एक शर्ट, ठीक है। 200 रुपया लगाया, कपड़ा खरीदा, फिर उसको सिलाई विलाई की, तैयार किया, बटन लगाया, शर्ट बना दी, 500 रुपए का बेच दिया। सो नाउ द वैल्यू इज अगेन एडेड बाय द थर्ड पर्सन, एक अगले आदमी ने क्या किया, वैल्यू को ऐड कर दी, कितनी वैल्यू ऐड कर दी, कितना मूल्य इसमें बढ़ा दिया, इसकी मूल्य वृद्धि हुई 300, वैल्यू एडेड बाय थर्ड द ओनर ऑफ सेकेंड मिल इज रुपीज 300, 200 से हो गया 500, ठीक है। एक ने 100 रुपए का बढ़ाया, दूसरे ने 300 को बढ़ा दिए,
आशीर्वाद में दे 100, ठीक है। 100 + 100 + 300 = 500, जो फाइनल वैल्यू आ गई है वो 500। अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि। इसका फार्मूला क्या होता है? वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। सर हाँ, माइनस रिसर्च नहीं हो रही तुम्हें? सो हेलो सर, आप सबको दिख रही है? बाकी लोगों को कोई दिक्कत? अभी तो दिखा तो रहे थे, तो मैं रही उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है? अब क्या दिख रहा है तुम्हें सर? सभी के नाम दिख रहे हैं। नाम दिख रहे हैं तो सही दिख रहा है तुम्हें? नाम दिख रहा है ना तुम्हें? गलत है तुम्हारे। तुम एक बार बाहर होके दोबारा ज्वाइन करो, ठीक? यस सर। तो वैल्यू एडिशन या मूल्य वृद्धि क्या होती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अभी सबको, बाकी सबको दिख रही है? और किसी को तो नहीं प्रॉब्लम हो रही ना? बाकी सबको दिख रही है? वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंसम्पशन। जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी, मीन्स जो भी प्रोड्यूस किया है किसी भी प्रोड्यूसर ने या सेलर ने, जितने का सामान बेचा है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट मीन्स व्हाट एवर वैल्यू इज पेड बाय हिम टू बाय द रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल है, यानी जो चीजें उसने फैक्ट्री में यूज किया है, वो सब है इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट मीन्स व्हाट एवर कॉस्ट इज स्पेंड टू प्रोड्यूस एनीथिंग, टू बाय एनीथिंग। कोई भी चीज खरीदने के लिए जो भी हमने लगाया, वो सब इंटरमीडिएट कॉस्ट है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये रॉ मटेरियल भी हो, फिनिश गुड्स भी हो सकता है। एक सेलर जो होता है ना, छोटे मोटे सेलर बड़े सेलर से खरीदते हैं, फिनिश गुड खरीदते हैं, शर्ट खरीद के शर्ट बेचते हैं, तो वो भी हो सकता है। रॉ मटेरियल जरूरी नहीं है। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो तीन चीजें इसमें समझ में आ गई सभी को, ठीक है। फाइनल गुड्स में तीन बातें होती हैं, तीन इसकी विशेषताएं हैं। फर्स्ट, दीज गुड्स हैव क्रॉस द बॉडी लाइन ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड, दे आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। थर्ड, देयर इज नो नीड ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन की कोई जरूरत नहीं है। एंड हु आर फाइनल यूजर्स? Both consumers and producer, both are final user. If any product is bought by the producer as final product, then this will be final producer goods. And if any product is bought by the consumer, then that will be final consumer good. अगर कोई भी वस्तु उत्पादक खरीद रहा है, किसने खरीद रहा? अपने फाइनल गुड की तरह, अंतिम वस्तु की तरह खरीद रहा है, तो उत्पादक की वो वस्तु क्या हो जाएगी? उत्पादक की अंतिम वस्तु हो जाएगी। और अगर उपभोक्ता खरीद रहा है तो अंतिम उपभोक्ता वस्तु हो जाएगी। अंतिम उत्पादक वस्तु और अंतिम उपभोक्ता वस्तु। अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? वी नो दैट देयर आर टू कंपोनेंट्स और मीन्स टू टाइप्स ऑफ यूजर ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल producer goods means producer and consumer both use final goods. producer भी use करते हैं, consumer भी use करते हैं final goods. तो total expenditure क्या होगा? total expenditure on final goods और aggregate expenditure on final goods. अंतिम वस्तुओं पे कुल व्यय क्या होगा? final consumption expenditure and final investment expenditure. जो अंतिम उपभोग व्यय है और अंतिम निवेश व्यय है, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या बनेगा? अंतिम वस्तुओं में कुल व्यय, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुओं पे कुल व्यय बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। कंसम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
नाउ सेकेंड इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु में, मध्यवर्ती वस्तु में क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन येट, वैल्यू एडिशन इज स्टिल नीडेड एंड दे आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल गुड्स सॉरी फाइनल यूजर्स। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं? ये वे वस्तुएं होती हैं जिन्होंने अभी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, अभी भी उसमें कुछ वैल्यू जोड़ने की आवश्यकता है और ये अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें सब उसका उल्टा है फाइनल गुड्स वाले का, ठीक है। तीन बातें इसमें भी हैं, देयर आर थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज गुड्स मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स, इनकी भी तीन विशेषताएं हैं। फर्स्ट दे हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड वैल्यू एडिशन इज स्टिल नीडेड, थर्ड दे आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। पहली क्या है कि इन्होंने अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, दूसरा अभी इसमें मूल्य वृद्धि की आवश्यकता है, तीसरा अभी ये अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, अभी नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे पुराने वाले एग्जाम्पल में द रॉ कॉटन इज नॉट रेडी फॉर यूज बाय इट्स फाइनल यूजर, ए फैक्ट्री ओनर मे यूज दिस बट इट इज नॉट रेडी टू यूज बाय इट्स फाइनल यूजर। जो रॉ कॉटन है उसको, जो ऊन नहीं रुई है उसको क्या कर सकते हैं हम फैक्ट्री में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री इसका फाइनल यूजर नहीं है, अंतिम उपयोगकर्ता नहीं है, ठीक है। उससे नए सामान बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, उसको दोबारा बेचने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनल गुड नहीं है, अभी इसमें कुछ बन के तैयार होगा, ठीक है। When finally a shirt is produced from raw cotton, then that shirt will be final good. जब तक शर्ट नहीं बन पाती है, जब शर्ट बन भी गई तो जब तक वो सेलर के पास है तब तक वो फाइनल गुड नहीं होगी, ठीक है। जब तक कोई भी सेलर है, रिटेलर है, होलसेलर है, किसी के पास है, ठीक। If any good is not sold to its final user, that will not be called फाइनल गुड्स, दैट विल बी ओनली इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं होगी, चाहे उसको कोई विक्रेता खरीदे या कोई प्रोड्यूसर खरीदे, उत्पादक खरीदे, वो फाइनल गुड नहीं कहलाएगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन तब तक चलता रहेगा जब तक उसका अंतिम उपयोगकर्ता, जो बेचने के लिए नहीं खरीदा है, अंतिम उपयोगकर्ता का सीधा सीधा मतलब है द पर्सन हु हैव नॉट बॉट द प्रोडक्ट फॉर रीसेल, फिर से बेचने के लिए नहीं खरीदा हो, तब तक वो अंतिम वस्तु नहीं होगी। तो ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स अभी इसमें कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ काम बाकी है, ठीक है। दीज गुड्स और रॉ मटेरियल और गुड्स फॉर रीसेल, रीसेल के लिए रॉ या फिर रॉ मटेरियल, ये दोनों तरह की वस्तुएं आती हैं। वैल्यू एडिशन तो सबको समझ में आ गया, जब उसको खरीदेगा बेचेगा तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स ए पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, उनका मूल्य अंतिम वस्तुओं में जुड़ा रहता है, ऐड रहता है, अपने आप ही जुड़ जाता है, ठीक है। कैसे जुड़ रहा है, देखो वही पुराना एग्जांपल, इन द वैल्यू ऑफ दिस शर्ट ₹300 विच आर एडेड बाय द मिल ओनर, सेकेंड मिल ओनर इज एडेड एंड ₹100 दैट इज एडेड बाय फर्स्ट मिल ओनर इज ऑल्सो एडेड एंड ₹100 विच वॉज द वैल्यू ऑफ रॉ कॉटन इज ऑल्सो एडेड। जो ₹500 की शर्ट बन के तैयार हुई है, इसमें ₹300 जो
सेकेंड मिल ओनर ने, दूसरे मिल ओनर ने वैल्यू बढ़ाई है वो तो जुड़ी हुई है, और साथ में पहले वाले मिल ओनर ने जो 100 रुपया की वैल्यू बढ़ाई है वो भी जुड़ी है, और रॉ मटेरियल की भी वैल्यू जुड़ी है, ठीक है। सो फॉर द फाइनल प्रोड्यूसर ₹200 वाज इंटरमीडिएट कॉस्ट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, एंड फॉर द फर्स्ट मिल ओनर ₹100 वाज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट कॉस्ट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो तीसरा वाला, जो तीसरा मतलब दूसरा वाला मिल ओनर है जिसने शर्ट बनाई, तो उसने जो कुछ भी सामान यूज किया वह उसकी मध्यवर्ती वस्तु थी। जो कॉटन का कपड़ा यूज किया, 200 रुपया लगा, उसकी मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य था। और पहले वाले मिल ओनर ने जब कॉटन क्लॉथ बनाया उसके लिए जो कुछ भी यूज किया, रुई वगैरह यूज किया, उसकी वैल्यू क्या थी, उसके लिए जो इंटरमीडिएट कॉस्ट थी, मध्यवर्ती उपभोग था या मध्यवर्ती लागत थी या मध्यवर्ती वस्तु की कीमत थी, मूल्य था। तो ये जो ₹100 सबसे पहले लिखा है इसकी वैल्यू क्या है, एड हो जाती है ₹500 में, ठीक है। पहले प्रोसेस में क्या हुआ, ₹100 प्लस ₹100 डेट वाज एडेड बाय फर्स्ट मिल ओनर इज एडेड। पहला जो मिल ओनर है उसने क्या किया, कॉटन का 100 रुपया जोड़ा प्लस उसने जो वैल्यू ऐड किया 100 रुपये की वो भी जोड़ा, बना दिया ₹200। तो इन दिस ₹200 100 ऑफ रॉ कॉटन, वैल्यू ऑफ रॉ कॉटन इज एडेड। जो भी रॉ कॉटन है उसका 100 रुपया जुड़ा है इतने 200 रुपये में, ठीक है। नाउ व्हेन द शर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय सेकेंड मिल ओनर, दूसरे मिल ओनर ने क्या किया, शर्ट बनाया और बेचा, तो क्या हुआ, वो वैल्यू फिर जुड़ गई 200 रुपये वाली, ठीक है। ₹200 प्लस वैल्यू एडिशन ऑफ ₹300 इज इक्वल टू ₹500, 500 रुपया का बना दिया 200 रुपया। तो कपड़े का जुड़ गया 300 रुपया, जो उसका खर्चा आया सब जोड़ जाड़ के, सुई धागा बटन वगैरह और जो भी सब मिस्त्री विस्त्री टेलर वगैरह को खर्चा दिया सब मिला के, ठीक है। सो नाउ इन दिस 500 वैल्यू ऑफ दिस 200 इज एडेड, एंड इन दिस 200 वैल्यू ऑफ 100 इज ऑलरेडी एडेड, ठीक है। सब कुछ, सब में वैल्यू जुड़ी हुई है, 500 में बाकी सबकी जुड़ी है, कोई दिक्कत अब किसी को इसमें नहीं है, ठीक। बट व्हेन वी ऐड वैल्यू ऑफ दिस कॉटन प्लस वैल्यू ऑफ कॉटन क्लॉथ प्लस वैल्यू ऑफ शर्ट, देन टोटल बिकम्स ₹800। अगर हम क्या करें, 100 रुपया रुई का भी जोड़ लें अलग से, फिर 200 रुपया कपड़े का जोड़ लें, फिर 500 रुपया शर्ट का जोड़ लें, तो 500 रुपया हो जाता है। मीन्स इन दिस वे वी थिंक दैट द वैल्यू ऑफ ₹800 इज एडेड इन द इकोनॉमी, और इनकम ऑफ ₹800 इज जनरेटेड इन द इकोनॉमी। अगर हम इस तरह से करें तो हमें लग रहा है कि ₹800 की आय देश में या अर्थव्यवस्था में सृजित की गई है, ₹800 कमाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज ₹200 इज ऑलरेडी एडेड इन 500 एंड 100 इज ऑल्सो एडेड। ये 200 तो था उसमें 100 रुपया पहले से जुड़ा था, यही 200 रुपया 500 में भी जुड़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको जोड़ना गलत होगा, अगर ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या। व्हेन द वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट इज एडेड ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस, देन इट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग।
अगर किसी भी वस्तु की कीमत दो बार जुड़ जाए या दो से ज्यादा बार जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं दोहरी गणना की समस्या। ठीक है, 100 रुपया एक बार तो जुड़ा है इधर, ठीक है, अब 200 में जुड़ा है, 200 रुपया भी 500 में जुड़ा है, तो बार बार जुड़ लें तो क्या हो रहा है, 200 भी दो बार जुड़ गया और 100 भी जुड़ गया, हो रहा है 800 फिर, तो ये गलत हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इज ऑनली ₹500, केवल 500 मानी जाएगी फाइनल गुड की वैल्यू, ये सब नहीं जोड़े जाएंगे अलग अलग। फाइनल गुड्स मीन्स वैल्यू दैट इज पेड बाई फाइनल यूजर, जो फाइनल यूजर है उसने जो दिया है बस उसकी वैल्यू से मतलब है, लोग बीच में लेन देन कर रहे हैं उनसे मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे किसी ने खरीदा एक सामान अपने पास से, ठीक, रितु ने खरीदा और कुमकुम के बेच दिया, फिर कुमकुम ने अपना प्रॉफिट जोड़ के अनुष्का को बेच दिया, तो अनुष्का ने जो फाइनली दिया है वही हम मानेंगे वैल्यू, बीच वाले नहीं मानेंगे, बीच में रितु और कुमकुम ने जो अलग अलग पे किया है उससे मतलब नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंसम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। यह भी हमने बताया था, कोई भी प्रोड्यूसर जो रॉ मटेरियल में जितना खर्च करता है उसको क्या कहते हैं, मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत बोलते हैं। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड टू गेट द वैल्यू ऑफ वैल्यू एडिशन को पता करने के लिए क्या करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंसम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये फार्मूला भी हमने बताया था। ठीक है, वैल्यू एडिशन का मतलब मूल्य वृद्धि का मतलब क्या हुआ, जो हमारे उत्पाद का मूल्य है माइनस आंतरिक उपभोग या जो भी रॉ मटेरियल है उनकी कीमत। ठीक है, अब ये जो है इसको आगे अब कल पढ़ाएंगे। ठीक, अभी जिसको प्रॉब्लम है वो बता दें, कोई जिसको कुछ समस्या हो।